सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं वर्ल्ड कप 2024 का मैच नंबर 19 जो खेला जाने वाला है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। वर्ल्ड कप की वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस बैटल्स में आती है। एंड देखो, ये मैच ग्रैंडली के लिए बहुत ज्यादा अच्छी होने वाली है, क्योंकि देखिए जब हम स्टडी कर रहे थे इस मैच को तो मुझे यहाँ पे बहुत सारे रोटेशन एंड बहुत सारे यहाँ पे रिकॉर्ड्स देखने को मिले, जिसके कारण यहाँ पे हमारी अच्छी खासी टीम्स बन सकती है। देखो, हम एवरेज यहाँ पे 4 से 6 टीम ही ग्रैंडली में उतारते हैं, लेकिन आज के टीम में मतलब मेरे लगभग यहाँ पे 10 से 12 टीम उतारने वाले हैं, क्योंकि इतनी अच्छी अच्छी मुझे यहाँ पे रोटेशन दिखी है ना। तो इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि इस वीडियो में आपको क्या मिलने वाला है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि अगर आप अपनी टीम एंड कॉम्बिनेशन उतार रहे हो ग्रैंड लीग में, तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो कि आपको दिमाग में रखने चाहिए। अच्छी जाता है यहाँ पे मैच स्टैट, उसी के साथ यहाँ पे प्लेयर्स इन्फो। एंड देखिए, एक यहाँ पे हम स्ट्रैटेजी अपनी यूज करते हैं कि हाई वैल्यू प्लेयर्स को ड्रॉप करने का रिस्क, लो वैल्यू प्लेयर्स को टीम में रखने का रिस्क। और आज के मैच में रोटेशन बहुत ज्यादा हैं जो कि आपको आगे वीडियो में पता चलेगा, लेकिन उससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल पर नया सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड देखिए, टेलीग्राम चैनल भी जाकर जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि देखिए टॉस होने के बाद, फाइनल पिच रिपोर्ट आने के बाद अगर कोई टीम में हम चेंजेस करते हैं तो आपको टेलीग्राम पर अपडेट करते हैं, या फिर अपनी टीम एक्सपेंड करते हैं तो आपको टेलीग्राम पर अपडेट करते हैं। जाकर जल्दी से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। उसके बाद हम जल्दी से बढ़ते हैं मैच की तरफ। तो चलिए, हम सबसे पहले बात करते हैं पिच रिपोर्ट की। तो देखिए, नासा काउंटर स्टेडियम में मैच होने वाला है, एंड इसकी जो पिच है वो बहुत ज़्यादा स्लो है, एंड बैट्समैन को यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज होती है रन बनाने में। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए 3 मैचेस की और ऑब्जर्वेशंस की अगर हम बात करें तो देखिए अनइवन बाउंस है कौन जगह पे, तो देखिए पिच के यहाँ गुड लेंथ और हार्ड लेंथ के एरिया में ना बहुत ज़्यादा अनइवन बाउंस है। प्लस यहाँ पे आउटफील्ड काफ़ी ज़्यादा स्लो है, जिसके कारण और रन कम बन रहे हैं। प्लस यहाँ पे इनिशियल ओवर्स में मूवमेंट है, जिसके कारण अच्छे खासे बैट्समैन यहाँ पे खो दे रही है टीम, जिसके कारण बड़ा स्कोर नहीं बन पा रहा है। इवन अगर 3 मैचेस में 2 मैचेस देखें ना, तो यहाँ पे देखिए 100 पार भी नहीं कर पाई है दोनों टीम्स मिलकर। उसी के साथ यहाँ पे पेसर्स को काफ़ी अच्छा हेल्प रहता है स्पिनर्स के मुकाबले। प्लस यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है कि पेसर्स को इनिशियल ओवर में मूवमेंट मिलता है, और जो दोनों टीम से आज की इंडिया और पाकिस्तान, इन दोनों के पास जो पेसर्स है वो दोनों मूवमेंट्स पे काफ़ी अच्छे खड़े उतरते हैं। तो वो एक चीज़ रहता है जो कि हमें यहाँ पे देखना चाहिए। ये आए डिस्कशन यहाँ ड्रीम इलेवन ऐप पे करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं मैं 2 टीम्स रेडी है, इसी में हम लोग डिस्कशंस कर लेंगे क्या क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है। उसके साथ यहाँ पे अगर रिसेंट फॉर्म देखें टीम का, तो देखिए आपको पता है कि इंडिया फेवरेट्स रहने वाली है, लेकिन तभी देख लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं लगातार 4 मैच जीते हुए आई है, एक भी रिजल्ट नहीं आया था। उसके सामने यहाँ पे पाकिस्तान लगातार 3 मैचेस हारते हुए आई है, एंड इस मैच में भी इंडिया ही फेवरेट्स रहेगी। उसके साथ पिच रिपोर्ट भी देख लेते हैं। देखिए, बॉलिंग ट्रैक रहने वाला है, पेसर्स को हेल्प रहने वाला है। देखिए, वेदर में यहाँ पे रेनिंग दिखाया है, लेकिन परसेंटेज बहुत ज़्यादा कम है, तो पानी पड़ने की उतनी उम्मीद है नहीं। एवरेज स्कोर 100 से 110 के बीच था। और देखिए, टोटल विकेट्स 12 गिरे, जिसमें से पेसर्स ने यहाँ पे 10 विकेट लिया है, स्पिनर्स यहाँ पे 2 लेके बैठे हुई है। एंड पेसर्स को हेल्प रहता है इनिशियल ओवर में, जिसके कारण विकेट्स यहाँ पे ज्यादा गिरते हैं। यहाँ पे 4 मैचेस खेले गए हैं रिसेंट में, एंड देखिए इंडिया 2 जीती है, लेकिन अगर एवरेज निकाले ना तो यहाँ पे इंडिया ही फेवरेट्स रहेगी। लेकिन उसके पहले यहाँ पे हम आपको एक चीज बता दें, कौन कितना ओवर करेगा। एंड कुलदीप यादव अगर रहता ना टीम में, तो भाई कुलदीप के सामने ना पाकिस्तान के लगभग सारे प्लेयर्स यहाँ पे परेशान होते हैं, स्ट्रगल करते हैं। तो वो एक चीज रहता है, अगर कुलदीप खेलते हैं ना तो कुलदीप बहुत अच्छे ऑप्शन हो जाएंगे। प्लस यही चीज रहता है कि इस पिच पे इनको ओवर्स कितने मिलेंगे, तो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे ओवर्स देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे तो 4 ओवर इनके लगभग 3 ओवर भी कन्फर्म है। 4 ओवर हार्दिक पांड्या 3 से 4 ओवर करते हुए दिखेंगे, शुभम दुबे फिर से ओवर करते हुए नहीं दिखेंगे। इन दोनों में ओवर डिवाइड होंगे, क्योंकि स्पिनर्स को उतना ज़्यादा कुछ पिच से हेल्प है नहीं, लेकिन तब भी यहाँ पे ओवर्स डिवाइड होते हुए दिखेंगे रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल में। स्पेशली अक्षर पटेल यहाँ ओवर्स करते हुए दिखेंगे आपको। तो मेन चीज़ यही रहता है कि हार्दिक पांड्या, सुदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज रहने वाले हैं मेन में। और अगर डेथ ओवर्स की बात करें तो देखिए इनिशियल ओवर्स में अक्षदीप सिंह एंड मोहम्मद सिराज ही दिखेंगे आपको। उसी के साथ डेथ ओवर्स की बात करें तो जसप्रीत बुमराह और सिराज या फिर अक्षदीप मिश्र किसी के रोटेशन डालते हुए दिखेगी टीम इंडिया। उसी के साथ यहाँ पे पाकिस्तान टीम की बात करें तो देखिए यहाँ पे पाकिस्तान के पास जो जितने भी पेसर्स हैं ये लगभग अपने पूरे 4 ओवर करेंगे। इफ्तिकार अहमद और सदाब खान के बीच में ओवर डिवाइड होंगे, लेकिन उम्मीद है कि सदाब खान ज़्यादा ओवर करेंगे। इफ्तिकार के एक आधी ओवर एक्सपेक्ट कीजिएगा, सदाब खान के पूरे ओवर करने के चांसेस हैं। उसी के साथ शहनशाह अफरीदी, हारिस रऊफ, नजीम शाह और यहाँ पे मोहम्मद अमीन, ये चारों अपने पूरे ओवर करते हैं। डेथ ओवर्स की बात करें तो यहाँ पे शहनशाह अफरीदी डालेंगे, हारिस रऊफ डालेंगे और मोहम्मद अमीन डालेंगे। ये तीनों आपको डेथ ओवर्स में डालते हुए दिखेंगे। तो जब यहाँ बात करते हैं टीम्स एंड स्ट्रेटजीज की, तो सबसे पहले यहाँ पे आते हैं विकेट कीपिंग सेक्शन में। देखिए, मोहम्मद रिजवान और ऋषभ पंत दोनों अच्छे ऑप्शन होंगे। क्यों? मोहम्मद रिजवान का एवरेज इंडिया टीम के खिलाफ यहाँ पे 65.7 का है, प्लस यहाँ पे विकेट कीपिंग का बैकअप रहने के कारण दोनों अच्छे पिक होते हैं। ऋषभ पंत भी काफ़ी अच्छे फॉर्म से गुजर रहे हैं, जिसके कारण ये दोनों एक सेफ पिक होते हैं एंड एवरेज स्कोर यहाँ पे जरूर देके जाए।
जाएंगे। अगर मान लीजिए बैटिंग से ही फ्लॉप होना तो उनके पास विकेट कीपिंग का बैकअप है, जिसके कारण एक सेफ टीम में हम लोगों को जरूर ढकेल ही देंगे। तो इन दोनों को लेकर चलते हैं उसके साथ बैटिंग साथ में। तो सूर्य कुमार यादव को हम एज अ ट्रंप यूज कर रहे हैं, आफ्टर ऑल T20 के वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट बल्लेबाज में से आते हैं एंड स्पेशली ऐसे पिच पर ये चल सकते हैं, इतना टैलेंट है इनके पास, लेकिन खाली मिस हिट मत हो अनइवन बाउंस के कारण, तो वो एक चीज़ आता है जिस पर हम लोग को ध्यान देना चाहिए, वरना सूर्य कुमार यादव अच्छे पिक होते हैं। उसी साथ यहाँ पे विराट कोहली छोड़ने लग प्लेयर है, यानी स्लोली एंकर करते हुए जाते हैं मैच को, तो इसीलिए स्पेशल पिक हो जाते हैं, स्पेशली पाकिस्तान के खिलाफ इनको जरूर टीम में रखना चाहिए। उसी साथ यहाँ पे बाबर आजम ये भी थोड़ा स्लो खेलते हुए जाते हैं, जिसे सेफ पॉइंट्स हम लोग को दे के जा सकते हैं। रोहित शर्मा अगर फर्स्ट इनिंग रहना तो इजीली आंख बंद करके ड्रॉप कीजिएगा बिना कोई सोच विचार का। सेकंड इनिंग में टीम में रखने का रिस्क ले सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा रिस्की रहेगा, लेकिन बोले तो सेकंड इनिंग में जरूर ट्राई कीजिएगा, फर्स्ट इनिंग में इजीली ड्रॉप करके जाइएगा। उसी के साथ यहाँ बात करें फखर जमान की, तो ऐसे पिच पर इनके चलने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम रहते हैं एंड स्पेशली इंडिया के जो जितने भी पेस बॉलर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अटैकिव है, जिसके कारण ऐसे प्लेयर्स यहाँ पे इजीली ड्रॉप कर जाएगा। देखिए एक न्यूज और आया था यहाँ पे, सैम अयूब खेलते हुए दिख सकते हैं आजम खान की जगह, तो वो चीज़ अगर चेंज होता है ना तो हम टेलीग्राम पे आपको अपडेट करेंगे एंड वहाँ पे जितने भी रोटेशंस हो सकते हैं हम आपको बता देंगे। उसी साथ ऑलराउंडर से समय बढ़े तो देखिए रविंद्र जडेजा की बॉलिंग करने के चांसेस तो बहुत कम है, एक आध से एक से दो ही ओवर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, प्लस बैटिंग भी आई ना तो उतने कुछ बड़े पॉइंट्स देंगे नहीं एंड वही मतलब 10 से 15 20 पॉइंट ही देके जाएंगे, जिस कारण एक अच्छे खासे पिक नहीं हो रहा है। तो देखिए हार्दिक पांड्या इंपॉर्टेंट पिक होते हैं, देखिए स्पेशली पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ इनके सर पे लगता है खून सवार हो गया, ऐसा यहाँ पे ये फॉर्म में नहीं रहना तो अभी फॉर्म में आके ये यहाँ पे बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों करते हैं। देखिए इस पिच पे ना मूवमेंट रहने वाले, जिसके कारण ये अच्छे पिक होंगे और IPL के दौरान भी इनके काफ़ी अच्छे यहाँ पे मूवमेंट्स में विकेट निकल रहे थे, तो हार्दिक पांड्या अच्छे पिक होंगे, प्लस यहाँ कप्तान के सबसे सेफ ऑप्शन में से भी आएंगे, CVC के सेफ ऑप्शन में से आएंगे। सदाब खान देखिए बॉलिंग में तो काफ़ी गंदी पिटापट हो रही है एंड देखिए पाकिस्तान की विकेट जरूर गिरेंगे, जिसके कारण ये एक पिक होते हैं जो कि बैटिंग से आके यहाँ पे पॉइंट्स देके जा सकते हैं। बॉल सिंह को हम ले ले जा रहे हैं, बैटिंग के हिसाब से ले जा रहे हैं। उसी के साथ शुभम दुबे, देखिए शुभम दुबे को यहाँ पे बॉलिंग मिलने वाली नहीं है, प्लस यहाँ बैटिंग से काफ़ी आउट ऑफ फॉर्म है, तो इजिली ड्रॉप कर जाएगा। उसी के साथ अक्षर पटेल यहाँ पे जरूर अपने कॉम्बिनेशन में इनको रखिएगा, स्पेशली कब जब बैटिंग फर्स्ट करे टीम सॉरी बॉलिंग फर्स्ट करे टीम इंडिया। इफ्तिकार अहमद बॉलिंग उतनी मिलेगी नहीं, एक आधी ओवर करते हुए दिखेंगे, प्लस बैटिंग से भी उतना कुछ खास करके देंगे तो इजिली ड्रॉप कर जाएगा। देखिए बॉलिंग सेशन सब इसमें तो 100% चेंज होगा टॉस के बाद, जो टीम बॉल फर्स्ट करे उनके पेसर्स को भरने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यहाँ पे पेसर्स यहाँ पे काफ़ी अच्छे रोल में रहने वाले इनिशियल ओवर्स में, जिसके कारण यहाँ पे जो टीम टॉस जीते उसके यहाँ पे पेसर्स को रखिएगा 100%। तो अभी के लिए फिलहाल यहाँ पे देखिए क्या कि हम बता दे रहे हैं, एक सेकंड, जसप्रीत बुमराह आपको पता है कि वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स में से आते हैं, तो इनको छोड़ा नहीं जा सकता है एंड स्पेशली पाकिस्तान के खिलाफ। एंड देखिए ये दोनों जो प्लेयर्स हैं ना, कोई भी टीम बॉल फर्स्ट करे इन दोनों को तो 100% रखना ही है। उसी के साथ अगर कुलदीप यादव खेलते हैं ना, तो कुलदीप यादव का मैचअप बाबर आजम के सामने है, इफ्तिकार अहमद के सामने है, फखर जमान के सामने है, अगर कुलदीप यादव खेलते हैं ना तो बहुत अच्छे पिक होंगे। नसीम खान एज अ ट्रंप यूज कीजिए, यहाँ पे विकेट से निकाल सकते हैं इजिली, इसलिए एज अ ट्रंप इनको यूज कीजिए, परसेंटेज सिलेक्शन बहुत कम है, 21% सिलेक्शन है, तो आपके लिए अच्छे खासे ट्रंप हो जाएंगे। यहाँ पे आते हैं मोहम्मद सिराज, अगर टीम इंडिया बॉल फर्स्ट करना तो इंपॉर्टेंट पिक होंगे, VC के साथ भी जा सकता है, क्योंकि देखिए मूवमेंट अगर रहता है तो यहाँ पे विकेट्स निकालते हैं। हरीश रॉफ लास्ट मैच में देखिए बॉलिंग अच्छी की थी, लेकिन लास्ट मैच के लास्ट ओवर में आके यहाँ पे इनकी जो पिटापट हुई ना वही, एंड स्पेशली इंडिया के खिलाफ यहाँ पे एक आध दो विकेट निकालते हुए आपको दिखेंगे तो टीम रख लीजिएगा, एक सेफ ऑप्शन होंगे। आमीन यही चीज़ पर बॉल फर्स्ट करे तो इजिली टीम में रखिए। अर्षदीप सिंह यहाँ पे कप्तान और वाइस कप्तान के भी ना रिस्की ऑप्शन, प्लस यहाँ पे सेफ ऑप्शन भी बोलेंगे हम, क्योंकि देखिए अर्षदीप सिंह पास अगर मूवमेंट रहा ना तो ये भी विकेट्स निकालना जानते हैं एंड विकेट्स निकाले ना तो यहाँ पे इजिली आप यहाँ पे कप्तान और वाइस कप्तान की बना के जा सकते हैं। यहाँ पे हम लोग बात करें कि कौन कौन कप्तान सबसे बेस्ट ऑप्शन रहने वाले, अभी के लिए हम फिलहाल यहाँ पे सबसे सेफ ऑप्शन हो गए हैं जो कि है हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह अच्छे ऑप्शन होंगे, साइंस ऑफ विदी अच्छे ऑप्शन होंगे, मोहम्मद सिराज थोड़े से रिस्की ऑप्शन होंगे लेकिन लेके जाया जा सकता है कप्तान और वाइस कप्तान के रूप में, अक्षरदीप सिंह भी अच्छे खासे ऑप्शन होंगे, विराट कोहली आपको पता है अच्छे ऑप्शन होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम बोल रहे थे बैट्समैन पे ध्यान मत दीजिए, जो ध्यान देना है ऑलराउंडर सेक्शन प्लस यहाँ पे बॉलिंग सेक्शन पे ही ध्यान दीजिए, ग्रैंड लीग में स्पेशली, इसको भी काटो रहेगा, तो वो चीज़ है यहाँ पे। देखिए ये तो टीम एक बन गई, यहाँ पे हम आपको थोड़ा सा यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको बता दिए हैं। एंड देखिए अक्षदीप सिंह को हम क्यों हम बोले, अक्षदीप सिंह का यहाँ पे बैटल बहुत खतरनाक है, 3 मैच में 6 विकेट्स निकाल चुके हैं यहाँ पे, तो वो एक चीज़ है। प्लस यहाँ पे हार्दिक पांड्या का भी इनके सामने यहाँ पे बैटल बहुत खराब है, 5 मैच में 11 विकेट्स निकाल लिए हैं इस टीम के खिलाफ, प्लस बैटिंग भी करके देंगे ही, तो स्पेशली इसलिए हम बोल रहे हैं यहाँ पे सेफ ऑप्शन होंगे एंड ये सेफ ऑप्शन होंगे। तो उसी साथ हम लोग बढ़े टीम टू की तरफ, जिसमें इंडिया बैट फर्स्ट कर रही है, तो हम स्पेशली उसमें क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, तो विकेट के मिसाइल में दोनों को रखना ही रखना है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। प्लस यहाँ बात करें
कि के कारण यहाँ पे रोहित शर्मा आउट होंगे। कब बैट फर्स्ट करते हुए विराट कोहली सेफ खेलते हुए जाएंगे, सूर्य कुमार यादव स्पेशली हम रखे हैं टीम में, उसके साथ बाबर आजम रखना ही चाहिए। इफ्तिखार फखर जमान उतना अच्छे ऑप्शन होंगे नहीं, और कोई खेलते हुए दिखेगा नहीं, तो इजली छोड़िए। ऑलराउंडर सेक्शन में बात करें, देखिए रविंद्र जडेजा को हम इसलिए रखें क्योंकि देखिए बैटिंग आएगी, एंड बैटिंग आई ना थोड़ा सा यहाँ पे 20-30 बना देना तो सेफ ऑप्शन हो जाएंगे हमारे लिए। उसी के साथ हार्दिक पांड्या सेफेस्ट ऑप्शन, बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों काफ़ी अच्छी है स्पेशली इस टीम के खिलाफ। शादाब खान को हम यहाँ पर ड्रॉप किए हैं क्योंकि पेसर्स ही विकेट्स निकाल लेंगे, स्पिनर्स को एक आधी विकेट मिलेगा। अक्षर पटेल को भी हम यहाँ पर ड्रॉप किए हैं। देखिए आप चाहें तो यहाँ पे इनको रोटेट करके यहाँ पे अक्षर पटेल के साथ जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए बैटिंग भी इनके पास है प्लस बॉलिंग भी ओवर्स रविंद्र जडेजा से ज़्यादा ही मिलेंगे, जिसके कारण अच्छे पिक हो जाएंगे। इफ्तिखार अहमद छोड़ दिए हैं, शुभम दुबे भी छोड़ दिए हैं। उसके साथ यहाँ पर बात करें बॉलिंग सेक्शन में, जसवीर बुमराह को रखना जरूरी है, सैंसा अफरीदी, नजीम शाह, मोहम्मद नवीन, आप चाहें मोहम्मद आमीन की जगह, आप आमिर की जगह यहाँ पे आप चाहें ना तो यहाँ पे हारिस शराफ के साथ जा सकते हैं, या फिर अक्षदीप को भी लेके जा सकते हैं नजीम शाह की जगह, तो वहाँ पे एक रोटेशन आप काट सकते हैं। इस टीम के कप्तान सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन होंगे? कि देखिए विराट कोहली तो टिक के रहने वाले हैं तो ये तो 100% रन बनाएंगे ही, और अगर हम बात करें यहाँ पे तो हार्दिक पांड्या तो सेफ ऑप्शन होंगे। हम यहाँ पे थोड़ा ट्रंप पे यूज गए हैं, ट्रंप पे रिस्क ले गए हैं, लेकिन जसप्रीत बुमराह, सैंसा अफरीदी और मोहम्मद आमीन या फिर हरीश शराफ भी अच्छे ऑप्शन होंगे। तो यहाँ पे ये सारे ऑप्शन अच्छे ऑप्शन होने वाले हैं, तो हम यहाँ पे एक सोच रहे कि एक टीम और देते जिसमें इंडिया की बॉल फर्स्ट हो, जिसमें किसी से आप ड्रॉप करके जा सकते हैं। तो यहाँ पे इंडिया की अगर टीम बॉल फर्स्ट होना तो यहाँ पे आप रिजवान को यहाँ पे इजली ड्रॉप कर दीजिएगा, ठीक है? ऋषभ पंत तो 100% टीम में रहेंगे, और उसी के साथ यहाँ पे आजम खान को तो पूछना ही नहीं भाई, क्यों खिलाड़ी है टीम कुछ पता ही नहीं है। उसी के साथ विराट कोहली अच्छे ऑप्शन, रोहित शर्मा अच्छे ऑप्शन, सूर्य कुमार यादव आप चाहें तो रोटेट कर सकते हैं, लेकिन हम बोले तो यहाँ पे रखिए तो छोड़िए, चाहे यहाँ पे हम लोग रोटेट ही करते हैं। बाबर आजम एक सेफ खेलते हुए जाएंगे, फखर जमान पर रिक्स लेना चाहे तो रिक्स ले सकते हैं, लेकिन ये भी फ्लॉप होंगे इजीली। उसी के साथ ऑलराउंडर सेक्शन में बात करें तो देखिए हार्दिक पांड्या अच्छे ऑप्शन, शादाब खान बैटिंग आएगी जिस कारण इनको टीम में रखा जा सकता है, प्लस यहाँ पे बॉलिंग भी करेंगे तो थोड़ी सी यहाँ पे अच्छे पिक हो जाते हैं। इफ्तिखार अहमद बॉलिंग करते हुए दिखेंगे नहीं, प्लस बैटिंग नीचे है एंड यहाँ पे उतने अच्छे फॉर्म में भी नहीं, तो इजीली ड्रॉप हो जाएगा। शुभम दुबे इसमें इजली ड्रॉप करने लायक प्लेयर हो जाते हैं। एक सेकेंड यहाँ पे अक्षर पटेल, तो वही चीज़ हो गई। उसी साथ हमने बॉलिंग सेक्शन में बात करें, जसवीर बुमराह अच्छे ऑप्शन, उसी के साथ सैंसा अफरीदी अच्छे ऑप्शन, और यहाँ पे देखिए किसी से एक सेकंड इन दोनों को ले लेते पहले, उसके साथ यहाँ पे मोहम्मद सिराज और अक्षदीप सिंह, प्लस यहाँ पे अगर हम बात करें कुलदीप यादव को हम उम्मीद करें कि खेलना, तो ये काफ़ी अच्छे ऑप्शन होंगे कुलदीप यादव अगर खेलेंगे तो नहीं खेलते हैं तो यहाँ पे नजीम शाह, हारिस शराफ और एम अमीन के साथ किसी एक के साथ यहाँ पे जाया जा सकता है, तो वो चीज़ रहता है। हम यहाँ पे हारिस शराफ के साथ जाते हैं, इसमें देखते हैं कप्तान सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन रहने वाले हैं। तो देखिए मोहम्मद सिराज, अक्षदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या, इन पे ज़्यादा रिक्स मत लीजिएगा, लेकिन इन तीनों पे जरूर रिक्स लीजिए CVC बनाने का। दोनों चाहे ना तो आप यहाँ पे कभी अक्षदीप सिंह कप्तान तो जसप्रीत बुमराह वाइस कप्तान, कभी हार्दिक पांड्या कप्तान तो जसप्रीत बुमराह वाइस कप्तान, फिर कप्तान तो वाइस कप्तान, कप्तान वाइस कप्तान, ऐसे करके बहुत सारे रोटेशन आप यहाँ पे बना सकते हैं इजीली। तो वो चीज टीम बन गई हमारी यहाँ पे जब इंडिया बॉल फर्स्ट करे तब। तो अभी के लिए फिलहाल हम यहाँ पे अक्षदीप सिंह, हार्दिक पांड्या और अक्षय पटेल यहाँ पे CVC बना चलते हैं। देखिए लास्ट तक अपडेट करिए, जुड़ी है टेलीग्राम चैनल पे, जितने भी टीम हम अगर एक्सपेंड करेंगे तो आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर देंगे, या फिर कोई भी रोटेशन डालना रहा तो आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।